बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे रायगढ़ में खमरिया के राष्ट्रीय मार्ग 49 पर, जहां धड़ल्ले में आसपास की फैक्ट्रियों का कचरा फेंका जा रहा है, जिससे आसपास के रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। दरअसल यहां सड़क का निर्माण हो रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए फैक्ट्री का अपशिष्ट यहां फेंक दिया जाता है, जबकि एनजीटी के नियमों के तहत अपशिष्ट प्रबंधन कराने वाला पर्यावरण विभाग मौन धारण किए बैठा हुआ है। अब परेशान लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता गोपाल कृष्ण नायक जुड़ गए हैं। गोपाल, रहवासियों ने प्रशासन से गुहार तो लगा दी है, प्रशासन ने क्या इस और ध्यान दिया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है और लगातार लोग शिकायत के ऊपर शिकायत किए जा रहे हैं, फिर भी पर्यावरण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया गया है, जिसके कारण एनएच में पूरे फ्लाई ऐश सड़क के किनारे डंप होते चला जा रहा है। गोपाल, लगभग कितना समय हो गया है जब से कचरा यहीं पर डंप किया जा रहा है? ये लगभग 2 महीना हो गया डंप करते जा रहे हैं, रायगढ़ से खरसिया के बीच एनएच में जी, और लोगों के खेतों पे भी जा रहा है, नहर पे हो रहा है, नदी पे जा रहा है, फिर भी अभी तक पर्यावरण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया जी। और इसके पीछे क्या कुछ माना जा रहा है कि पर्यावरण विभाग इस और ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की अगर बात करें तो सरकार द्वारा ये पहले ही कहा गया है कि कोरोना काल में स्वच्छता का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि लोग वैसे ही परेशान हैं और उसके बाद ये तो कचरा फेंक कर लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ाई जा रही है जी, बढ़ते जा रहा है परेशानी जी। क्या किसी पर्यावरण विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई अभी तक? हाँ, गेदाम साहब से बात हुआ था, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी रायगढ़ हैं जी। वो बताए कि मैं हॉस्पिटल में हूँ करके, और लॉकडाउन होने के कारण अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो रहा है जी, वो फील्ड में निकल जा रहे हैं तो जी। और अब वहाँ के लोगों ने प्रशासन से इसकी गुहार लगाई थी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, अब इसके बाद वहाँ के रहवासियों का क्या कुछ कहना है? रहवासी बस देख रहे हैं रास्ता कहीं कुछ हो जाए करके, लॉकडाउन के कारण लोग जा भी नहीं पा रहे हैं जी। एक तहसील से दूसरे तहसील और खरसिया विकास संघ से रायगढ़ में जिला कलेक्टर बैठते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण और पॉजिटिव की संख्या बढ़ते जा रहा है, इसलिए आना जाना बंद है जी। इस कारण से शिकायत हो नहीं पा रहा है वहाँ। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।